कम उम्र में अधिक पैसा बनाना है तो ध्यान रखें ये तीन टिप्स, देखते ही देखते हो जाएंगे अमीर। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत और लोगों की आर्थिक हालत दोनों ही काफी खराब है। ऐसे में अगर किसी से निवेश की बात करें तो वो एक बार के लिए ये जरूर कह देगा कि अभी पैसों की दिक्कत है। हालांकि यही वो समय है जो ये बताता है कि ऐसे पैसों की दिक्कत से निपटने के लिए निवेश करना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि सिर्फ बैंक खातों में सेविंग करके आपको वो फायदा नहीं होगा जो आपको निवेश के अन्य विकल्पों से होगा, तो थोड़ा रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट सेविंग का प्लान कीजिए, पसंद कीजिए, लेकिन उससे पहले इन तीन टिप्स को ध्यान में रखिए। अपने कर्जों को सबसे पहले निपटाएं। ये जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने सभी कर्जों को निपटा दें। नौकरी के शुरुआती दौर में कर्जे बहुत ही कम या नहीं भी होते हैं। अगर फिर भी आपके ऊपर एजुकेशन लोन या फिर कोई दूसरा लोन हो तो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो तो पहले उसे निपटा दें। ऐसा करने से उस पर लगातार लगने वाले ब्याज का आपको नुकसान नहीं होगा, साथ ही आपके ऊपर से एक बड़ी जिम्मेदारी हट जाएगी तो आप कहीं निवेश करने की सोच सकते हैं। निवेश को टाले नहीं, भले कम पैसे में निवेश करें। अक्सर लोग निवेश को टालते जाते हैं, कभी सैलरी कम होने की बात कहकर तो कभी खर्चे ज्यादा होने का हवाला देकर। निवेश को कभी न टालें, भले ही आप कम ही निवेश करें लेकिन निवेश जरूर करें। आप चाहें तो 100 रुपए या 500 रुपए की SIP से म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार की अच्छी जानकारी रखते हैं तो सीधे शेयर बाजार में ही निवेश कर सकते हैं। इससे एक तो आपको पास कुछ पैसे जमा होंगे, दूसरा आपके निवेश की आदत बनेगी। खुद की जानकारी को लगातार बढ़ाते रहें। अक्सर मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं कि इस शेयर ने सिर्फ 3 महीने में 200% रिटर्न दिया, वो शेयर एक ही महीने में दुगना हो गया। लेकिन सिर्फ खबर सुनकर आप बाजार में निवेश ना करें। अगर आपको शेयर बाजार की अच्छी जानकारी नहीं है तो आप उसमें पैसा गवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी शेयर ने इतना अधिक रिटर्न क्यों दिया, साथ ही ये भी समझना होगा कि आगे वो रिटर्न देगा या फिर उसके गिरने का वक्त आ गया है। तो अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ साथ खुद को लगातार एजुकेट करते रहें ताकि कुछ कभी भी नुकसान ना झेलना पड़े। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।